आगाज करते हैं दोस्तों नए साल का, चलिए एक नई वीडियो के साथ। कानपुर अमृतसर की तरफ से हमारे पूरे परिवार को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भैया UPMRC ने IIT स्टेशन पे शेड लगा के हमारे न्यू ईयर में 4 चांद लगा दिए हैं। अब हमारा IIT स्टेशन पहले की तरह कच्चा कच्चा IIT स्टेशन नहीं रहा है। शेड के लिए सपोर्ट लगाए जाने के साथ ही दोस्तों अब IIT स्टेशन के स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है। अब इसके ऊपर और कोई फ्लोर नहीं बनेगा। दोस्तों चलिए अब आपको थोड़ा सा ऊपर का भी व्यू दिखा देते हैं कि IIT स्टेशन के अंदर काम क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी राइट साइड वाली सीढ़ियों को चढ़ के आप ऊपर आएंगे तो उसके बाद आप अपना व्यू ले सकते हैं कि अंदर कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। सीढ़ियों से सीधा ऊपर आते ही जैसे ही आप इस एंट्रेंस के अंदर जाएंगे यहाँ पे टिकटिंग रूम का काम आपको होता दिख जाएगा। दोस्तों पिछले वीडियो में ही पूरा का पूरा कंकोर्स बंद कर दिया गया था IIT स्टेशन का, मगर अब इसके ऊपर सीमेंटिंग भी कर दी गई है जिसके बाद जो ईंटों के मार्क्स थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। और इसे ये भी पता चलता है कि इस स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों IIT स्टेशन के आसपास जितने भी पिलर्स हैं सबके ऊपर उनकी कैप्स रख दी गई हैं। जल्द ही इनके ऊपर यू गर्डर या आई गर्डर जो भी रखे जाने हैं उनको रख दिया जाएगा। दोस्तों अपडेट्स तो हमारे पास बोरा भर भर के हैं, मगर जब तक आप लोग इस वीडियो के एंड तक हमारा साथ नहीं देंगे तब तक ना आप लोग को मज़ा आएगा ना हमें। और यार एंड में आप लोग को फेज 2 की भी अपडेट हम लोग देंगे। मगर यार अगर IIT स्टेशन का लखनऊ के मेट्रो स्टेशन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो IIT स्टेशन की यार विड्थ और लेंथ दोनों छोटी हैं, क्योंकि यार जो लखनऊ मेट्रो बनी है वो बनी है कानपुर लखनऊ हाईवे के ऊपर जहाँ पर रोड की विड्थ बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस रोड के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ की 2 रोड्स उस वहाँ की 1 रोड के बराबर ही होगी। और दोस्तों आगरा मेट्रो का जो है शिलान्यास किया जा चुका है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, वहाँ का काम भी अब कागज से सड़क तक का सफर तय कर चुका है। तो अगर आप चाहते हो समझ रहे हो ना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन और कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पर भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो। यहाँ के काम की बात मैं फिर से वही पुरानी तरीके से ही करना चाहूँगा कि यहाँ पर काम बस वही जो नॉर्मल स्पीड में होता है उसी तरह हो रहा है। इस साइड की जो लुक आप देख रहे हो वो तो पहले की तरह ही है, हाँ दूसरी साइड में हल्का सा थोड़ा सा फ़र्क आया है, मैं वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए हमारे सामने जो स्टेयर की तैयारियाँ हैं वहाँ पर थोड़ा सा काम हुआ है, हाँ थोड़ा सा काम हुआ है, ये बात चौंकने वाली थी बट हाँ हुआ है। और अब चलते हैं स्टेशन की दूसरी तरफ और वहाँ से देखते हैं कि कितना काम हुआ है जो एक्चुअली में देखने लायक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अब थोड़ा थोड़ा IIT जैसा लुक आने लग रहा है, पर मैं फिर भी यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि SBM मेट्रो स्टेशन कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन से अब भी काफ़ी आगे है। यहाँ पर अब थोड़ी वॉल्स की तैयारी की जा रही है, ओवर प्लेटफॉर्म की तैयारी की जा रही है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड से देखो तो वहाँ पर तो कॉन्कोर्स की भी तैयारी नहीं हुई है। सो बड़ा सा इम्बेलेंस सा काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन काम ज़रूर हो रहा है, भले धीरे हो रहा है, लेकिन अब चलते हैं SPM की ओर और वहाँ से देखते हैं कितना काम हो चुका है। SPM हॉस्पिटल में तो यार कंकोर्स का काम ख़त्म हो चुका था जैसा कि आप लोग को पिछली वीडियो में हम लोग ने बताया ही था, मगर अब इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म का जो काम है उसे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है और इसे यार 30-35% तक पूरा भी कर दिया गया है। इस स्टेशन के और कल्याणपुर स्टेशन के काम का अगर यार कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा डिफरेंस आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। कभी कल्याणपुर स्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा काम में आगे होता है तो कभी ये स्टेशन, मगर भाई पिछले कुछ टाइम से इस स्टेशन ने कल्याणपुर स्टेशन को पीछे छोड़ के रखा हुआ है। और इस स्टेशन के फ्रंट में जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पंप टैंक बनाया जा रहा है जहाँ से यार पानी को सप्लाई किया जाएगा ऊपर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, और जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो यार इसका यूज़ किया जाएगा स्टेशन को मेंटेन करने के लिए और वहाँ की साफ़ सफाई वगैरह और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। इस स्टेशन के जो स्टेयर केस का काम है वो कल्याणपुर स्टेशन को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। वहाँ का यार स्टेयर केस बनाना तो अभी शुरू किया गया है, मगर इसका स्टेयर केस 10-15% तक बनाया जा चुका है। दोस्तों अब यहाँ पे एफकॉन्स का काम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और सैम इंडिया का काम तेज़ी पकड़ने लगा है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के सामने, जिसको हम लोग CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, और उसी के सामने बन रहे कानपुर यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का काम देखने। आप लोग सामने एक देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल सीढ़ियों का उपयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। जब ऊपर का काम स्टार्ट होगा तो आराम से ऊपर आना, नीचे और सब कुछ पूरा हो पाएगा। और अब देख लेते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी स्टेशन की दूसरी साइड से कॉन्कोर्स का वर्क। यहाँ पर देख सकते हो सामने सीढ़ियाँ बन गई, तो वहीं से आपने देख लिया होगा कि कॉन्कोर्स में अभी तक कोई वर्क किया नहीं गया, सिर्फ एक बेस तैयार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं। जैसे ही पीछे वर्क कंप्लीट होता है, यहाँ पर भी एकदम से रफ्तार पकड़ी जाएगी, जैसा कि हम लोग बाकी स्टेशन में देखते आ रहे हैं। और कब ये स्टेशन कहाँ प्लेटफॉर्म में भी पहुँच जाएगा और कहाँ शेड में भी पहुँच जाएगा, वो देखने लायक होगा। तो बस दो चार पार्ट्स का ये इंतज़ार देखेगा कैसे स्टेशन का रूप रेखा सब बदल जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से याद कराना चाहता हूँ कि कानपुर मेट्रो के समापन की जो डेडलाइन है वो है नवंबर 2021, यानी इसी साल नवंबर तक ये काम कंप्लीट होना है, पूरा फेज़ वन चालू होना है। सो देखते हैं कब तक काम कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर तो हम लोग देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम हो रहा है, देखते हैं ट्रायल रन्स कितनी जल्दी शुरू हो पाएंगे। और चलते हैं अगले मेट्रो स्टेशन की ओर। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गुरुदेव मेट्रो स्टेशन के पास, जो कि यार यूनिवर्सिटी स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है, और यार ये फेस वन का सबसे लंबा डिस्टेंस है दो स्टेशन के बीच का। और दोस्तों, इस स्टेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर तो उतना ज़्यादा कोई काम देखने को नहीं मिलता, मगर इस स्टेशन के जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेयर्स को बनाने का काम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में किया जा रहा है। और यार इस स्टेशन के ऊपर पहले जितने डबल टी गर्डर्स लगाए गए थे, आज भी उतने ही डबल टी गर्डर्स हैं। हाँ, यहाँ पे पियर कैप्स और यू गर्डर का सिलसिला काफ़ी हद तक पहुँच चुका है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वह 24/7 काम करते हैं। यहाँ पे पूरे दिन और पूरी रात वर्कर्स काम करते हैं। हाँ, शिफ्ट इनकी चेंज की जाती है, मगर यहाँ पे रात को भी पूरा काम चलता है। अगर आप यहाँ का नाइट का काम देखना चाहते हैं तो ऊपर आप लोग को आई बटन में पार्ट 2 दिख रहा होगा, जहाँ पे हम लोग ने कवर किया था रात का काम 2:30 से लेकर सुबह 5 तक। तो आप सामने देख रहे हो, अभी अगर आपने ध्यान से देखा हो स्पेस से, तो वहाँ पर एक छोटा सा पिलर बनाया गया था। जी हाँ, वहाँ पर भी मेट्रो गुजरेगी। वहाँ कैसे गुजरेगी? जो आप डिपो लाइन देख रहे हो वो ऊपर से आके नीचे ग्राउंड लेवल की ओर जाएगी, डिपो में जाते। तो ये जो आप डबल पिलर्स देख रहे हो वो इसीलिए हैं ताकि वो जो मेट्रो है उसकी ढलान को बनाया जा सके। बाकी आप थोड़ी पीछे जाके देखोगे तो वहाँ पर सिंगल पिलर ही है, तो ये गीतानगर से ही अलग हो जाएगी ये लाइन। इसके बारे में हम लोग आपसे काफ़ी बार बात कर चुके हैं, पार्ट 10 में की थी। और इस डिपो के बारे में अगर आपको सेपरेट वीडियो में जानना हो तो पार्ट 10 के बाद हमने एक वीडियो अपलोड की थी, क्रिसमस में की थी, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और अब हम बात करते हैं हमारे राइट साइड की ओर, जो मेन मेट्रो लाइन जा रही है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, पिलर्स काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। तो बस ये कुछ ही समय का खेल है, 1-2 महीने बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरह पिलर्स रेडी होंगे और यहाँ पर भी यू गर्डर्स बिछने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अब गीतानगर मेट्रो स्टेशन पर, और ये वही स्टेशन है जहाँ से डिपो की लाइन अलग होनी है। मैं बहुत 100 बार ये लाइन बोल चुका हूँ, पता नहीं मैं क्यों बार बार बोलता हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ अलग बताता हूँ। अलग चीज़ ये है कि यहाँ पर आप स्टेयर्स देखिए और स्टेशन देखिए, इतनी दूर। जी हाँ, इतनी दूर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होने वाली। तो जगह क्यों नहीं होने वाली है वो लाइन मैं आपको दोबारा नहीं बोलूँगा, आप समझ जाओ। हाय हाय, इतने सुंदर बैरिकेड, यार मैं नहीं बोल रहा यार, कुछ हटाओ इसको, मुझे ना दिखाओ। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गीतानगर मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन अभी लगा। कोई है ही नहीं यार, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। और यहाँ के काम की अगर बात करूँ, मैं क्या बात करूँ यार, जितना काम पिछली बार था उतना इस बार भी है। कोई ख़ास काम यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन पीछे इसके आगे जो पिलर वर्क नहीं हुए थे वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि हाँ भैया पीछे यू गर्डर पूरे लग गए हैं, तो यहाँ पर काम बढ़ाना तो ज़रूरी है ही है। अरे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, हमें मिले नहीं थे नीचे, तभी हम कहे कहाँ गए सारे। और दोस्तों, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं फेज़ वन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन पे। जी हाँ, रावतपुर मेट्रो स्टेशन। और दोस्तों, रावतपुर स्टेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए एक स्टेशन होने वाला है क्योंकि जब मेट्रो का रूट 2 बनाया जाएगा तो इसे एक अंडरग्राउंड स्टेशन के रूप में भी तैयार किया जाएगा।
तो यार फिर रावतपुर स्टेशन एक एलिवेटेड के साथ साथ अंडरग्राउंड स्टेशन भी बन जाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्टेशन के काम की, तो यार काम हमें यहाँ पे देखने को मिला है। हाँ काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, मगर काम तो है यार। कॉन्कोर्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है काम को, और यार स्पीड भी यहाँ के काम की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट कही जा सकती है। और दोस्तों गोल चौराहे से माल रोड की तरफ पूरा का पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। हम लोग रॉन्ग साइड लेके आए हैं क्योंकि टू व्हीलर अलाउड था, हम देशद्रोही नहीं हैं, और यहाँ पर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ सभी दूसरी साइड जाने के लिए, इसलिए अब हम हैलट हॉस्पिटल के अंदर से होके जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने रास्ता पकड़ा है हैलट हॉस्पिटल के अंदर से, तो आज आप लोगों को दिखा देते हैं उस हॉस्पिटल को जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता था, और कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तो है ही है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि आप खो जाओगे। दोस्तों इस स्टेशन के काम से पहले मैं आप लोगों को इस बारे में बात करना चाहूँगा कि UPMRC ने हर संभव प्रयास किया है कि यहाँ पर किसी भी दुकान या किसी भी घर को तोड़ा ना जाए मेट्रो के बनाते वक्त, और इस काम में वह बहुत सफल रही है क्योंकि पूरे मेट्रो के दौरान सिर्फ 2-4 वॉशरूम्स तोड़े गए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स तोड़े गए हैं, बाकी ऐसा कोई भी डिमोलिशन का काम नहीं हुआ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कहीं ना कहीं से होते हुए LLR हॉस्पिटल स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है दूसरी साइड का, पर हम लोग किसी तरह पहुंच गए। पर यहाँ मैं काम की बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर दिखने लगा है। एक साइड का जो स्लैब तो काफ़ी टाइम से तैयार है, वो तो बिल्कुल तैयार ही है, दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा तैयार होने लग गया है, और यहाँ पर डबल टी गर्डर्स की तैयारी हो रही है, तो बहुत जल्द यहाँ पर भी डबल टी गर्डर्स लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे फेस वन के लास्ट स्टेशन पे, जो कि है मोतीझील मेट्रो स्टेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस स्टेशन के यहाँ पे पिलर वर्क्स को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है, और यहाँ पे जो जाम की समस्या है ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे काम की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हाँ यार यहाँ पे रोड्स की भी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है, और दोस्तों यहाँ पे पिलर्स का स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक कम्प्लीट कर दिया गया है। पहले लाला लाजपत राय स्टेशन से मोतीझील स्टेशन तक के पिलर्स का काम बचा हुआ था, मगर अब पाइलिंग वर्क को ख़त्म करके यहाँ पे पिलर्स का स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में काम किया जा रहा है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे स्टेशन का हिस्सा होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन बनाने के बाद उसके पिलर्स के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह का काम होगा उसे किया जा सके। अगर आपने हमारा गंगा बैराज वाला वीडियो देखा था तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बैरिकेडिंग को बहुत आगे तक फैला दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जितना हमने उस वीडियो में दिखाया था, आज यहाँ पे बैरिकेडिंग उससे ज़्यादा हमें देखने को मिली है। और बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने से भाई अब यही पता चलता है कि जल्द ही पालिका स्टेडियम पे भी अंडरग्राउंड मेट्रो का काम शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पालिका स्टेडियम से ही मेट्रो को अंडरग्राउंड किया जाएगा। और दोस्तों यहीं पे बैरिकेडिंग ख़त्म हो जाती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैरिकेडिंग के साथ साथ पाइलिंग वर्क को भी लाया गया है, और अब भाई उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बैरिकेडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा और पाइलिंग वर्क को भी आगे बढ़ाकर पालिका स्टेडियम तक पहुँचा जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं मोतीझील मेट्रो स्टेशन पे। और दोस्तों इस स्टेशन का काम बाहर से तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस स्टेशन का जो ज़्यादा काम है वो अंदर की साइड पे किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे ऑफिसेज बनाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग ऑफिसेज बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जो स्टेशन है ये हमारे फेस वन का हेडक्वार्टर्स होने वाला है। तो दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो यहीं तक थी, जितनी भी अपडेट्स हमारे पास थी हमने सारी आपको दे दी हैं। और अगर आप लोग अपनी डिमांड्स हमें कमेंट्स में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग जल्द से जल्द वीडियो बना के आपकी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।